उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी दावेदारी और अपनी किलेबंदी में जुट गई है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी प्रभारी संजय जी हैं। सर, विधानसभा चुनाव में लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप भी की तिरंगा यात्रा भी हुई, लेकिन इसके बीच से तमाम गठबंधन की भी बातें आई, क्या स्ट्रेटेजी अभी तक निकल के आई? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी अपना अभियान चला रही, 300 यूनिट बिजली फ्री हम उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे, ऐसा केजरीवाल जी का पहला वादा करके हम एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि मात्र 18-19 हजार करोड़ रुपए के बजट से उत्तर प्रदेश में 2,63,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली 300 यूनिट तक दी जा सकती है, सारा बिजली का बिल बकाया माफ किया जा सकता है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली दी जा सकती है, किसानों को फ्री बिजली दी जा सकती है। ये बातें हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें बहुत उत्साहजनक परिणाम हमको देखने को मिले। बहुत सारे लोग हमसे उस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। आगे और इसी तरीके का अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी और 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश। अकेले ही लड़ेंगे? गठबंधन की बातें हो रही थी, आपके अखिलेश यादव से भी बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी का क्लियर हो गया कि वो सुभाषपा के साथ जा रही है, बीजेपी को जो हराने के जो लिए जो पार्टियां हैं वो सब एक हो रही हैं, आप क्यों अलग थलग पड़ गए? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम अपने मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को हम अपने मुद्दे समझाएंगे और इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इन सवालों पर। सर, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की जो ड्रेस और हैं तमाम घोटाले के आप लोग आरोप लगाते रहे, तो इस बार तो उसने सीधे से जो उनके माँ बाप हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, वो बड़ी अजीब सी बात है कि 5 साल तक तो इन्होंने बच्चों के स्वेटर, जूते, मोजे और ड्रेस के नाम पे लूट की। जब आपको याद होगा, हमने ही खुलासा किया था कि कस्तूरबा में जो वंचित समाज से बच्चियां पढ़ती हैं वहां पे कोरोना के काल में 9 करोड़ रुपए उनके खाने के और स्टेशनरी के नाम पर निकाल लिया इन लोगों ने। जब वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हमने, स्वेटर में, जूते में, मोजे में किस तरीके से ये लोग घोटाला करते हैं, जब इसका खुलासा किया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो बड़े ईमानदार हैं और हरीश चंद हैं और हम सीधे डालेंगे खाते में। एक चीज आप मुझे बताइए, बच्चों का 2 ड्रेस, 1 स्वेटर, 1 जूता, 2 मोजा और स्कूल का बैग 1100 रुपए में कहीं आप खरीद सकते हैं? कहीं मिलेगा 1100 रुपए में? कल मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी को 1100 रुपए का चेक भेज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो कहीं से खरीद के एक सेट जितना सामान वो कह रहे हैं कि 1100 रुपए में मिल जाएगा वो भेजें। पहली बात तो ये कोई नई योजना नहीं है, तो क्यों आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? आप ये मानिए कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के कारण बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग, ड्रेस देने में असफल रही 5 साल तक, उसमें घोटाला किया, अंतिम वर्ष में आप ये दिखावा कर रहे हैं, तो इसको कम से कम 3,000 रुपए की राशि करनी चाहिए और अगर कहीं मिलता हो ठीक ठाक 2 ड्रेस और जूता, मोजा और बस्ता और स्वेटर, तो मैं 1100 रुपए कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भेज रहा हूँ, वो खरीद के हमें दे दें।